डिपो कोसी सीमांचल में एयरपोर्ट का चालू करेंगे। अमित शाह न्याय थे, उन्होंने कहा कि नया फरवरी को एयरपोर्ट चालू हो गया। यह जुमलाबाजी की सरकार है। यह बीजेपी को हटाना है, संविधान को बचाना है, यह देश को बचाना है। हमारे भाई हमारे महिला को रक्षाबंधन पर 1,00,000 रुपया देने का उन्होंने घोषणा किया है। हमारे भाई जो बोलते हैं वही करते हैं। गरीब के मसला के लिए काम किए हैं, गरीबों को आवाज देने का काम किया है, गरीब को अधिकार देने का काम किया है। मैं लालू प्रसाद यादव जी है, आप हमें चंदा दो, हम आपको चंदा देते हैं। जो चंदा नहीं देता उसको ईडी सीबीआई का नोटिस भेज दिया जाता है। जैसे गंगा गांव में जैसे धमकी देकर डॉक्टर से इंजीनियर से पैसा लेता है, उसी तरीके से सरकार बड़े बड़े कंपनी से पैसा ले रहा था। साथियों, आप यहाँ पर जो ये परिस्थिति बना हुआ है, यह दुनिया की नहीं पूरे देश की बना हुआ है। और यहाँ बीजेपी के लोग जिस तरह से जुमलाबाजी करने का काम किया है, यह पूर्णिया में भी आने का काम किया। पूर्णिया में उन्होंने 2014 में भी कहा था कि कोसी सीमांचल में एयरपोर्ट का चालू करेंगे। अमित शाह न्याय थे, उन्होंने कहा कि नया फरवरी को एयरपोर्ट चालू हो गया। यह जुमलाबाजी की सरकार है। यह बीजेपी को हटाना है, संविधान को बचाना है, यह देश को बचाना है। हमारे भाई आज कोसी यादव जी ने जो 17 सालों में नहीं हुआ था, वो 17 महीनों में हमारे युवा को 5,00,000 नौकरी देने का काम किया है। सुनो तो जो पत्र है, घोषणा पत्र में उन्होंने जो हमारे खास करके हमारे महिला को रक्षाबंधन पर 1,00,000 रुपया देने का उन्होंने घोषणा किया है। हमारे भाई जो बोलते हैं वही करते हैं। जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, जो हमारे पिता दिल है, उन्होंने गरीब के मसला के लिए काम किए हैं, गरीबों को आवाज देने का काम किया है, गरीब को अधिकार देने का काम किया है। मैं लालू प्रसाद यादव जी है, कृषि जानव है। आज जितने भी हमारे घोषणा पत्र में इन्हें जारी किया है, जो होता है निषाद के 22 जातियों का हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहा है कि अगर बंगाल में निषाद का आरक्षण है तो बिहार में क्यों नहीं, जब दिल्ली में निषाद को एससी का आरक्षण है तो बिहार में क्यों नहीं। संघर्ष कर करके हम 2020 में हमने पहली बार मल्ला का बेटा 4 विधायक बनाया। हमारे सहयोग से बिहार में सरकार बना। हम समर्थन नहीं देते तो नीतीश कुमार बिहार का मुख्यमंत्री नहीं बनता। हमने उनको मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन परिणाम हमको क्या मिला, हमारे विधायक को खोल दिया, हमारे सरकार से हमको बाहर कर दिया, हमको रोड पे ला दिया। सिर्फ संघर्ष करने के लिए नहीं चाहता है कि कभी किसी गरीब दलित पिछड़ा का बेटा अति पिछड़ा का बेटा बिहार में शासन करे, इसलिए हमें रोड पे ला दिया। ये जो सरकार है वो गरीब का नहीं है, अडानी अंबानी का सरकार है, गरीब का सरकार नहीं है। आज देखिए 16,000 करोड़ का चंदा लिया भाजपा ने। आप हमें चंदा दो, हम आपको धंधा देते हैं। जो चंदा नहीं देता उसको ईडी सीबीआई का नोटिस भेज दिया जाता है। जैसे गंगा गांव में जैसे धमकी देकर डॉक्टर से इंजीनियर से पैसा लेता है, उसी तरीके से सरकार बड़े बड़े कंपनी से पैसा ले रहा था। साथियों, ये कहीं ना कहीं ये सरकार आपका नहीं है। जो बड़े बड़े कंपनी से 1,000,000,000 करोड़ चंदा लेगा वो कहां से लाएगा, वो आपसे ही पैसा छीनेगा, हर चीज का रेट बढ़ा देगा, हर चीज का दाम बढ़ा देगा, तब आपसे पैसा लेकर बड़े बड़े लोगों को पैसा देगा। आज भाजपा देखिए पूरे भारत में हर जिला में उन्होंने ऑफिस बना दिया। आज ऐसा लगता कि वो भाजपा पार्टी नहीं चला रहा, वो एक कंपनी चला रहा। साथियों, आप बताइए सरकार चलाने वाला व्यक्ति कंपनी चलाएगा। इसलिए साथियों, आप लोग युवा है, बड़े संख्या में युवा को देख रहा हूँ, आप लोगों का दायित्व है, कर्तव्य है कि अगर जो नेता झूठ बोले उसको बदलने का। इसलिए साथियों, आप लोग अपने वोट का अधिकार को समझिए और मजबूती से आपका यहाँ पर अपना प्रत्याशी बहन दीना भारती जी यहाँ पे लालटेन खड़ा करें, यहाँ पे चुनाव लड़ रहे राष्ट्रीय जनता दल से, आप मजबूती से उसको वोट दिलाकर मजबूत कीजिए। और 2-3 दिन के बाद हम लोग यहाँ पे काम करेंगे, 3-4 रोज हम लोग यहाँ पर रहेंगे और मजबूती से एक एक क्षेत्र में जाकर काम करके अपने प्रत्याशी की दिशा में काम करेंगे। हमारा पहला चरण का चुनाव खत्म हो रहा, हमारा जितना भी योद्धा है सारे के सारे लोग पूर्णिया में पहुंच गए।